अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इफा सैलून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से और खुश होंगे। द पर्पस ऑफ माय चैनल इज टू लिव ब्यूटीफुली एंड हेल्दी विद इफा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज जो है वो निकी स्टाइल में मेकअप करने की ट्राई की है। सो माय डियर फ्रेंड्स, डोंट गो एनीवेयर, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर आपको ये जो लुक नजर आ रही है मेरी निकी स्टाइल मेकअप की, आज आपको वो मेकअप मैं सिखाने जा रही हूँ, तो प्लीज वॉच द वीडियो टिल एंड। सो डियर फ्रेंड्स, बेस बनाने का तरीकाकार ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ, इससे प्रीवियस वीडियो में भी बताया है। तो अब हम डायरेक्ट आईब्रो और आईज़ मेकअप पर आ जाएंगे। आईब्रो को आईब्रो ब्रश की मदद से नीट करने के बाद यहाँ पर जो है वो ब्राउन कलर के साथ आईब्रो को एक शेप देकर आईब्रो को थोड़ा सा लिफ्ट किया इस मेकअप में, थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाया है, क्योंकि उनका मेकअप जो है वो थोड़ा सा आईब्रो को ऊपर की तरफ लिफ्ट किया है। उसके बाद सॉफ्ट ब्राउन कलर लेके सॉकेट बनानी है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ट्राई की है मेकअप को, सिर्फ उनसे आइडिया लिया है, उनके मेकअप को स्केच करने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि एज इट इज़ हुआ है, लेकिन ये है कि ट्राई की है कि उनके जैसा कर सकूं। तो ये सॉफ्ट ब्राउन कलर से आपने सॉकेट बनानी है, और उसके बाद जो है वो सॉकेट बनाने के बाद रेड कलर यूज़ करना है। रेड कलर जो है वो मुझे इस पैलेट में से मिला है, ग्लैमरस के पैलेट से मुझे रेड कलर जो है वो मिला है। ये कलर तकरीबन बनाना पड़ा है, इसके अंदर एक दो शेड्स और मिक्स करके, तो सॉकेट को थोड़ा सा जो है वो डीप करना है। सॉकेट लाइन प्रॉपरली ब्लेंड करनी है, अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड करना है। देखिए किस तरीके से ब्लेंडिंग हो रही है। ब्लेंड करने के बाद जो है वो कॉर्नर हम थोड़ा सा सेट करेंगे, कॉर्नर को थोड़ा सा डार्क रखेंगे। यहाँ पर कलर रेड टोन में ही लाना है, लेकिन इसको थोड़ा डार्क करेंगे कॉर्नर को। तो यहाँ पर अब जो है वो कॉर्नर दोनों साइडों पे आप देख रहे हैं, आइज़ के दोनों साइडों पर जो है वो कॉर्नर्स बन रहा है। तो कॉर्नर को थोड़ा डार्क सेट करेंगे ताकि आई जो है वो थोड़ी बड़ी लगे और प्रॉपर खुली हुई लगे। तो इस मेकअप को स्केच करने की कोशिश की है, आपने ट्राई करना है और देखना है, और देख के बताना है कि ये मेकअप आपको किस तरह से लगा। एफर्ट आप ज़रूर किया करें, जब आप वीडियो को गौर से देखते हैं और फिर ट्राई करते हैं तो फिर आप प्रॉपरली उसको कर सकते हैं। तो ये देखिए कॉर्नर को किस तरीके से हम जो है वो सेट कर रहे हैं। सो डियर फ्रेंड्स, देखिए कॉर्नर जो है वो किस तरीके से सेट किया, और कॉर्नर को सेट करके आई को एक प्रॉपर शेप दी है। थोड़ा सा सिर्फ ब्लेंडिंग को बाहर लेके गए हैं। जब भी हम किसी का मेकअप कॉपी करते हैं तो हम एज इट इज़ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनके फीचर्स हमारे फीचर से डिफरेंट होते हैं। तो इसके बाद आईज़ के नीचे जो है वो आप लगाएंगे, डार्क कलर इधर लगाना है आपने। सो डियर फ्रेंड्स, आईज़ के नीचे डार्क कलर को लगा के उसे ब्लेंड करना है, और इनर कॉर्नर के ऊपर जो है वो गोल्डन कलर रख। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक दिस वीडियो। सो डियर फ्रेंड्स, इस कलर को लगाने के बाद उसको ब्लेंड किया है, और जो लिड है उसके ऊपर सॉफ्ट कलर रखा है, लेकिन रेड से मिलता जुलता कलर ही लिड के ऊपर रखा है। और उसको लिड पे रखने के बाद प्रॉपरली उसको जो है वो ब्लेंड कर देना है। हाईलाइट देखिए कि कम जगह को किया है, हाईलाइट बहुत ज़्यादा नहीं हाईलाइट करना, क्योंकि मेकअप का स्टाइल ये है कि ऊपर तक मेकअप जो है उसको लेके जाया जाए, तो इसलिए जो है वो इसकी जो ब्लेंडिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हाईलाइट का एरिया जो है वो कम है। इसके बाद मस्कारा करेंगे, मस्कारा जिगजैग की सूरत में लगाना है। मस्कारा लगाने के बाद आईज़ के अंदर जो है वो वाइट पेंसिल निक्स की यहाँ पर जो है उसको अच्छे तरीके से लगाया है, और अब आईलैशेस की बारी आ गई है। 3D सिंपल आईलैशेस जो है वो उनको लगाना है। पहले कोशिश करें मस्कारा लगा लें, एक साइड पर आईलैश लग गया और दूसरी पर नहीं लगाया, तो आप साथ साथ आईज़ मेकअप को भी देख सकते हैं। तो आप दूसरी साइड के ऊपर भी आईलैश को हम जो है वो फिक्स कर देंगे। तो ये जो है वो हमारा आईज़ मेकअप तकरीबन कंप्लीट हो गया है, और आईलैश को हम अच्छे से फिक्स करेंगे, और इसके बाद हम लाइनर लगाएंगे। लाइनर बिल्कुल आईलैश के साथ साथ बिल्कुल लाइनर जो है वो लगाना है, और इसको बाहर बिल्कुल नहीं निकालना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसको आपने जो है वो आईलाइनर को आँख के जो है वो बिल्कुल साथ साथ लगा लेना है। देखिए किस तरह से आईलाइनर जो क्रेलॉन का, यहाँ आईलाइनर मैंने इस्तेमाल किया, ब्रश भी जो है वो क्रेलॉन का है। इसके बाद कंटूर करनी है। कंटूर जो है वो कान की लू से लेकर फेस थोड़ा सा चबी है, हेल्दी है, तो कंटूर थोड़ी सी हम डार्क करेंगे ताकि फेस की लुक जो है वो पतली आए। और यहाँ पर क्रिस्टाइन की जो किट है उसको मैंने यूज़ किया है कंटूरिंग के लिए। इसके बाद चिन की कंटूरिंग है, चिन की कंटूरिंग डबल चिन का थोड़ा सा इशू है, तो यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा कंटूरिंग होगी, और यहाँ पर कलर थोड़ा ज़्यादा लगने के बाद उसकी ब्लेंडिंग है, और फिर राइट साइड पर कंटूरिंग है।
तो इस तरीके से कंट्रोल करेंगे और ये इसी तरीके से जो है वो कान की लू से दूसरे फेस के सेंटर तक जो है वो प्रॉपरली ब्लेंडिंग करते हुए कंटूरिंग करेंगे। इसी तरह से नोज़ कंटूर है, नोज़ कंटूर जो है वो आप लोगों को ऑलरेडी भी मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, तो अभी भी इस तरह से कंटूर आप करेंगे। आपके सामने बिल्कुल क्लियरली जो है वो बताया जा रहा है। ब्लश ऑन यहाँ पर रिवाज का यूज़ किया है, थोड़ा सा डार्क ब्लश ऑन मैं लगाती होती हूँ, आपको इस चीज़ का पता ही है अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर ब्लश ऑन लगाएंगे, उसके बाद एसटी का जो हाइलाइटर है उसको चीक बोन के ऊपर, सिर्फ चीक बोन के ऊपर उसको हम लगाएंगे ब्रश की मदद से या फिंगर की मदद से, जैसे आपको इजी लगे। साथ ही आप आईज़ मेकअप और उसकी लुक भी देख सकते हैं कि किस कदर हसीन और ख़ूबसूरत लग रहा है। तो आप लोगों ने इसको ट्राई करना, ट्राई करने के बाद मुझे बताना है कि ये किस तरह से आप लोगों को लगा। और ये इस तरह से चीक बोन के ऊपर आपने हाइलाइटर लगाना है, नोज़ की टिप के ऊपर और थोड़ा सा फोरहेड पे और नीचे चिन पर। इसके बाद लिपस्टिक की बारी आ जाएगी। लिपस्टिक का शेड यहाँ पर 224 जो है वो यूज़ किया है, ताकि लिपस्टिक जो है वो भी थोड़ी डार्क रेड में ही रहे। तो इस तरह से सबसे पहले लिप्स की आउटलाइन करेंगे प्रॉपरली लिप्स की आउटलाइन करेंगे, अपर लिप के बाद नीचे वाले लिप की आउटलाइन करेंगे, और इसके बाद अच्छे तरीके से आउटलाइन करनी है, और आउटलाइन करने के बाद फिर हम इसको फिलिंग कर देंगे। तो इस तरीके से ये इसकी आउटलाइन आपके सामने लिपस्टिक लगाने का तरीकाकार देख रहे हैं आप, और इसके साथ थोड़ा सा सॉफ्ट रेड कलर लेके उसको जो है वो फिलिंग कर रहे हैं, ताकि एक बहुत ही खूबसूरत सा डिफरेंट शेड जो है वो बन के आए। मेरी कोशिश ये होती है कि आप लोगों को डिफरेंट तरीक़ेकार से मेकअप करना बताऊं और डिफरेंट टेक्निक्स बताऊं। इसमें मुख्तलिफ लोगों का काम होता है मेरे चैनल के ऊपर, ताकि आपको पता चले कि क्या क्या नई नई टेक्निक्स आ रही हैं मेकअप की। और अब आप ये आफ्टर देख सकते हैं, नो फिल्टर, नो लाइट, नो एक्स्ट्रा लाइट, बिल्कुल ये नेचुरल लाइट के अंदर बना हुआ है। तो अब आप इसके साथ जो है वो फाइनल लुक देख रहे हैं। हेयर स्टाइल जो है वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको इसका नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका ट्यूटोरियल कंप्लीट डाल दूंगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो वक्त पर मिलती रहे। लाइक फॉलो शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।